अरे टाइम तो 9:30 बज गए। कोई बात नहीं, जब तक कलीसिया में लोग नहीं आए थे मैं तो आराधना नहीं शुरू करने वाली। लोगों के बिना आराधना कैसे शुरू होगा? जब तक लोग नहीं आए थे मैं थोड़ा चैटिंग कॉलिंग कर लेती हूँ। Ha 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 ha!
देखो पास्टर में कितना सच के हो, चलो सेल्फी लेते हैं। नहीं नहीं, ये कपड़े क्या पहन के आई है? जैसे तुम अंदर से अच्छी हो वैसे बाहर से भी अच्छा आना चाहिए, प्रभु के सामने पूरा ढक के आना चाहिए। अरे सिस्टर इधर आओ। क्या पास्टर, आपको तो अभी ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए, तो फैशन का वर्ल्ड है, आप नहीं पहनोगे तो कब पहनोगे? चलो इसी बात पे सेल्फी लेते हैं। प्रभु को विश्वास किया है, प्रभु का वचन पढ़ती हो और प्रभु का वचन सबको बताती हो, ऐसे तुम प्रभु में नींद बढ़ते जाओ। अरे सिस्टर इधर आओ, देखो वहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर देखो कितने ही जन है, आओ ना यहाँ पर। नहीं नहीं, प्रभु की बात सुनूंगी और पास्टर की बात सुनूंगी। बस थोड़ी देर के लिए आ जाओ। नहीं नहीं, करके लाइन में आ जाइए। ये कौन है? शरद। बताओ तुमने मेरे लिए क्या क्या किया? मैं तो हर संडे चर्च आती थी, गाना गाती थी, वर्शिप भी करती थी। क्या ये सब सच है? नहीं नहीं, ये चर्च ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझती है, खुद को ही सफलता चाहिए ऐसे सोचती है। तो इसे नरक में जाना चाहिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये कौन है? प्रसाद। बताओ तुमने मेरे लिए क्या क्या किया? मैं तो हर संडे चर्च आता था और प्रभु की वचन भी सुनता था, नाइट शिफ्ट करते हुए भी मैं चर्च आता था। नहीं नहीं, ये चर्च में सिर्फ सोने आता था, वचन नहीं सुनता था और वर्शिप भी नहीं करता था। तो इसे नरक में जाना चाहिए। ये कौन है? फिलोमन। बताओ तुमने मेरे लिए क्या क्या किया? मैंने चर्च को निस्वार्थ से पेंट मारा है, मैंने पास्टर से 1 रुपया भी नहीं लिया, मैं चर्च में अव्वल था, मैं चर्च के हर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता था। क्या ये सब सच है? नहीं नहीं, ये अपना स्वार्थीपन दिखाता है, ये दशांश नहीं देता है, मैसेज नहीं सुनता है, वर्शिप भी नहीं करता है। तो इसे नरक में जाना चाहिए। ये कौन है? कमला। बताओ तुमने मेरे लिए क्या क्या किया? मैं हर संडे चर्च आती हूँ, बाइबल पढ़ती हूँ और आराधना भी करती हूँ। क्या ये सब सच है? नहीं नहीं, ये चर्च में सिर्फ फोन बात करने के लिए आती थी, वर्शिप नहीं करती थी और वचन भी नहीं सुनती। तो इसे नरक में जाना चाहिए। ये कौन है? अरे ये तो मुझे पता है, चर्च के प्रति इसका व्यवहार अच्छा नहीं था, तो इसे नरक में जाना चाहिए। बताओ तुमने मेरे लिए क्या क्या किया? मैं तो सबको अच्छे मार्ग में लाती थी, मैं तो एक अच्छी पास्टर बनी थी, तो मेरा स्थान स्वर्गीय है। क्या ये सब सच है? नहीं नहीं, ये सबको गलत मार्ग में लाया है और गलत मार्ग में चलाया भी है। तो इसे नरक में जाना चाहिए। इसका नाम रेणुका है, ये बहुत विश्वासयोग्य दासी बनी है। तू थोड़े में बहुत विश्वास होती रही, मैं तुम्हें बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। ये गुड पास्टर है, ये भी बहुत विश्वास होकर दासी बनी है, सबको अच्छे मार्ग दिखाया, अच्छे मार्ग में लाया भी है और सबको स्वार्थ भी बताया है। आओ उस राज्य में अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जो मेरे मार्ग
चलेगा और विश्वास योग्य रहेगा, उन्हीं के लिए अनंत काल का जीवन है।